खबर शिवपुरी से है। आपको बता दें कि हवाई मंडी के सामने मेन रोड पर ईंट और बजरी की मंडी रोज लगती थी, जिससे मजदूरी करने आए इस मंडी पर रोज सुबह 6 बजे आते थे। उनको हाईवे होने के कारण खतरा बना रहता था। जब फास्ट समाचार ने इस हाईवे मजदूरों का मुद्दा उठाया, खबर प्रकाशित की, तो वायरल खबर वरिष्ठ अधिकारियों को इस हाईवे पर मंडी पर कभी भी हादसा हो सकता है ये अवगत करवाया गया, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए आनन-फानन में सुबह ही यातायात प्रभारी रणवीर यादव अपने स्टाफ के साथ हवाई पट्टी के सामने मंडी पर पहुंचे। वहां जाकर ईंट बजरी से भरे ट्रक रोड के पास खड़े दिखे, जिसके बाद यातायात प्रभारी रणवीर यादव ने सारे ट्रकों को जब्त कर यातायात थाने ले आए। इधर मंडी करने वाले लोगों का कहना है कि शासन प्रशासन हमें गणेश कुंड के पास नगर पालिका की जो जगह पड़ी है वो क्यों नहीं दे रहा है। अब देखना होगा कि कब तक ईंट बजरी मंडी करने वालों को स्थायी जगह मिलती है और कब तक इन लोगों के समस्या का समाधान होगा। मैं हवाई पट्टी के आसपास रोड के दोनों साइड ये प्रतिदिन सुबह ट्रक खड़े कर देते हैं, इससे आम जनता जो भी वहाँ निकलती है उसे रोड से होके जाना पड़ता है, तो एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। अगर इनसे आम पब्लिक मना करती है, बदतमीजी से भी पेश आते हैं। इस पर से इन ट्रक पर कार्रवाई की गई है। अभी ट्रैफिक प्रभारी रणवीर यादव के माध्यम से 4 ट्रक पकड़े गए हैं, इन पर कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सर, ये लोगों का कहना है कि हमें स्थाई जगह नहीं दे रहे, कि ये गणेश कुंड के पास में जगह पड़ी है काफ़ी नगर पालिका की, तो वो जगह हमें करा दी जाए। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करके एसपी साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब से बात की जाएगी और इस समस्या का भी निराकरण किया जाएगा।